किसानों ने राष्ट्रीय आवाहन पर जाम खोला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना क्षेत्र के बागलपुर मार्ग लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सरकार द्वारा किसानों के लिए आए अध्यादेश से नाराज किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 5 घंटे बाद राष्ट्रीय आवाहन पर किसानों ने जाम खोला। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों का करा समर्थन। मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना क्षेत्र के बागलपुर मार्ग पर नेशनल हाईवे को अपनी मांगों को लेकर किसानों ने जाम कर दिया। जाम की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और किसानों को समझाने लगे, लेकिन किसानों ने किसी की एक नहीं सुनी। 5 घंटे तक किसानों ने हाईवे को जाम करा। फिर राष्ट्रीय आवाहन पर किसानों ने अपना कुछ दिल्ली की तरफ किया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जाम में किसानों की यात्रियों से नोकझोंक भी हुई। वहीं किसान नेता से जब बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, सरकार ने जो कानून बनाया है, वह किसानों के हित में नहीं है। किसान लगातार अपनी बेबसी से परेशान है। अगर किसान परेशान है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश की क्या स्थिति है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली सरकार इस वक्त किसान से अपना मुंह पूरी तरीके से मोड़े हुए है। और किसान भी अब ये बता देगा कि किसान धरती का सीना चीर के अगर खेती कर सकता है तो अपनी बात मनवाने के लिए हर हाल में अपनी बात मनवा लेगा, और अपनी जो मांगे हैं अगर उसे पूरा नहीं करेगा तो वह अपनी फसल नहीं बेचेगा। क्या नाम है? ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन। सरकार ने 3 नए कानून अध्यादेश लागू करके पूरे भारत के किसानों को चेताने का काम किया है। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जब तक ये सरकार काला कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान सड़कों से नीचे नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा और दिल्ली कूच करेगा। और दिल्ली किसानों की है, ये सरकार समझ ले बात को। हम ये बता देना चाहते हैं कि जब फसल किसान की थी तो किसान की अध्यक्षता में इसका भाव तय होना चाहिए था। सरकार ने भारी गलती की है और इसका भुगतान, इसका वो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आज किसान को सम्मान निधि का पैसा नहीं है। गन्ना नियम में कोई कानून लागू नहीं है। सरकार ने वादा किया था किसानों की लागत का 1.5 गुना देने का, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। ये राष्ट्रीय आह्वान में हमारा हो चुका है कि पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब आज सड़कों पर है और पानी की बौछारों पर झेल रहा है। सरकार ये गलती ना करे। ये किसान और जवान, जो सीमा पर जवान है और खेत पर किसान है, और जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया गया है, देश की खुशहाली का रास्ता ग्रामीण क्षेत्रों का गुजरता है, और सरकार ने भारी गलती करके ये परिणाम चेताया किसान को। ये किसान अन्नदाता है, ये धरती का पेट चीर कर देश का पेट पालन भरता है, जो ये गलती की है। तो हम जब तक ये किसान वापस शब्द नहीं लेती, या हम वापस नहीं जाएंगे, हमारा ये आंदोलन है। गन्ना नियम में गन्ने का भुगतान हो, बिजली का पूरा पूर्ण कर्ज माफ हो और बिजली का बिल हाफ हो, ये समस्या किसानों के साथ है। आज हम ये रोड पे हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारा राष्ट्रीय आह्वान होगा। अब निर्देश ये है कि हमारा दिल्ली चलने का कुछ आह्वान हो चुका है और इसके लिए तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन सब अपने अपने पॉइंटों पे हैं, सब अपने पूरे प्रदेश के लोग अपने जिलों पे हैं, सब अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इसमें रोड पे ही अपना निर्णय लेंगे और सब दिल्ली कूच करेंगे। वहीं किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर भी कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठ गए। और विनोद गुंबर ने जानकारी देते हुए बताया, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ हैं। अगर किसान यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी मुरादाबाद से दिल्ली के लिए किसानों के साथ जाएंगे। कांग्रेस के नेता हमारे ऊपर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के यहाँ से एक अभी फ़ोन आया है कि जितने किसान भाई किसी भी यूनियन से हैं आपने समर्थन देना है। कांग्रेस, अखिल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भाइयों को, अन्नदाता भाइयों को समर्थन दे रही है। अगर इनको दिल्ली भी कूच करना पड़ा, कांग्रेस पार्टियों को कि कार्यकर्ताओं नेताओं को इनके साथ दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली में बैठेंगे। जहाँ हमारे अन्नदाता भाई बैठेंगे वही हम लोग बैठे। किसान हमारा अन्नदाता है। पिछले 2 साल से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी बेमौसम बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, अभी तक उनका उसको मुआवजा नहीं मिला और उसके ऊपर एक बिल और थोप दिया हमारे ऊपर। सरकार की नीतियाँ बहुत ख़राब हैं। किसान की नीतियाँ किसान के खिलाफ नहीं, पूरे देश में जितने व्यापारी भाई, छात्र छात्राओं, अधिवक्ताओं भाव सबके लिए सरकार पूर्णतः विफल है। और हमें ठग के वोट लिया गया है, और ये
ये ऐसी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब भगवान के चरणों में जाके यही फरियाद है कि ये सरकार तुरंत बर्खास्त हो और नहीं और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आए। ये किसानों की पसीना बहाया एक बूंद, ये उसका टेलर। जिस दिन किसान आक्रोश हो गया, किस दिन किसान सड़कों पर आ गया, तो इनसे स्थिति संभाली नहीं जाएगी। वही 5 घंटे बाद किसानों ने नाश्ते आवाहन पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया, जब तक किसान यहां प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने हाईवे जाम किया था, उसके लिए हम लोगों ने रूट डाइवर्ट करा दिया था। अन्य जनपदों में और मुरादाबाद में आने वाले यात्रियों को हमने कोशिश की जरिए कोई भी परेशानी ना हो। पुलिस के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब पुलिस ने दावे करे देख के यातायात व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यात्री और बाराती किस तरीके से इस जाम में फंसे हुए हैं और किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन किसानों की मांग कब तक पूरी करती है। लगाया था किसने लगाया था, क्या क्या मुद्दे थे? ये किसान यूनियन द्वारा आज ही यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ये लोग बैठे हुए थे। मैंने जो किसान थे इससे संबंधित जो कुछ मांगे थे और अभी ये लोग घट चुके हैं यहाँ से। इस पूरे कार्यक्रम के लिए पुलिस ने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया हुआ था। एक कंपनी पीएससी का भी व्यवस्थापन था, साथ ही ट्रैफिक ड्यूटीज भी लगाई गई थी, डाइवर्जन किया गया था ट्रैफिक का ताकि किसी को भी ट्रैफिक या जाम की समस्या ना हो। और इन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, उसके बाद ये लोग यहाँ से कर चुके हैं और ट्रैफिक भी नॉर्मलाइज किया गया है। सर कितने घंटे जाम रहा है? ये लगभग 1 बजे यहाँ पे आए थे और अभी ये लोग यहाँ से हटे हैं, तो अभी इतने पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया था, तो ऐसी जाम की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। आसपास के जिलों से भी कोऑर्डिनेट करके इस पॉइंट के अराउंड डाइवर्जन ड्यूटीज लगाई गई थी और अभी इन लोगों ने यहाँ से उठ गए हैं और अपना ज्ञापन भी दिया और यहाँ पे जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था उसको नॉर्मलाइज किया। ठीक।